हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन और बैटमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि इस वीक के सबसे टॉप हाईलाइट अपडेटेड है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के, और साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल फेज 4 की अपकमिंग मूवी एंटमैन 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। अपडेट ये आ रहा है कि एमिली को और पॉल को दोनों को इक्वल सैलरी मिली है, यानी कि इक्वल पेमेंट मिली है अपकमिंग एंटमैन 3 के लिए। उसी के साथ अगला अपडेट है मार्वल फेज 4 से रिलेटेड, डॉक्टर स्ट्रेंज की शूटिंग 2020 के नवंबर के महीने से स्टार्ट होगी, जो कि बेनेडिक्ट ने कंफर्म करी है। अगला अपडेट है डीसी से रिलेटेड, बिली जो कि फ्लैश के डैड का कैरेक्टर प्ले करती हैं, मे बी इन फ्यूचर हमें वो दोबारा से इस रोल में दिखने वाले हैं। डिज्नी ने कंफर्म कर दिया कि 2022 में डिज्नी एक्सपो होगा, 2021 में नहीं होगा। जी हाँ, ये ऑफिशियली डिज्नी ने कंफर्म करा है। अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स से रिलेटेड, तो नेटफ्लिक्स ने 4 मूवी डील करी है क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, उनमें से एक्स्ट्रा एक्शन 2 भी है। जी हाँ, और 3 मूवी के अभी तक नाम रिवील नहीं करे गए हैं। अवतार 2 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अवतार 3 की 95% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मे बी नवंबर तक ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी चेरी, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। मुझे लगा था कि ये थिएटर में ओपन होगी। उसी के साथ अगला अपडेट है स्पाइडर वर्स से रिलेटेड, तो स्पाइडर वर्स के एक गेमिंग डिजाइनर ने इनके एक्चुअल में CGI रियलिस्टिक VFX से बनाकर लॉन्च करें, जो कि बिल्कुल ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। अगर आपको और भी देखने हैं, स्पाइडरमैन का भी है, तो आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। वॉर्नर वॉर्स कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि वो हॉट व्हील्स के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनाने वाले हैं, और देन आपको सारी जितनी भी मॉडल्स कार हैं हॉट व्हील्स की वो देखने को मिलेंगी। 15 अक्टूबर से दोबारा से ओपन हो रहे हैं थिएटर्स इंडिया में, और मूवी का कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी लगेगी इंडिया में, पर हॉलीवुड के काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं। शेरिन कार्टर का जो कैरेक्टर है एमिली का, वो फाइनली उनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है फाल्कन द विंटर सोल्जर की, पर अभी भी शूट चालू है। एक बिहाइंड द सीन इमेजेस मिली है ब्लैक विडो की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। उसके साथ कियानू रीव्स जो कि मून नाइट का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं, और जैसे कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से रिलेटेड, तो फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप इस इमेज में देख सकते हो कि पीछे क्लॉक दिखाई, यानी कि टाइम ट्रेवलिंग पक्की है, और देन नेक्स्ट सेट में कन्फर्म ही हो जाता है कि हाँ टाइम ट्रेवलिंग होगी, क्योंकि उसमें हमें मैक्स दोबारा से हाई स्कूल जाता नजर आ रही है। जी हाँ, मैक्स जो कैरेक्टर था आपको अच्छी तरीके से याद होगा। द इंटरनल्स का एक विलेन रिवील्ड कर दिया गया, जिसका नाम है क्रो, जो कि काफी कमाल का विलेन है, और देन मैंने इसके बारे में पढ़ रहा हूँ और आने वाले टाइम में इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। ब्लैक एडम में हॉकमैन कन्फर्म हो चुका है, जिसका एल्डेस्ट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, अभी कन्फर्म हुआ है। उसी के साथ अशोका भी कन्फर्म हो चुके हैं मैंडलोरियन सीजन 2 में, जो कि अक्टूबर को इसी मंथ में आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अभी हाल ही में एक चीज कंफर्म हुई है कि थेनोस यानी कि जोस ब्रोलिन ने इसलिए इस कैरेक्टर को एग्री करा था क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरी लड़ाई सारे एवेंजर से होने वाली है। एक नया गोल्डन ईगल आर्मर का लुक नजर आया है एक मैगजीन में, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिचर्ड को अभी हाल ही में लोकी में टीवी सीरीज में कास्टिंग करी गई है, और देन अपडेट ये आया है कि लोकी का ये ओल्ड वर्जन कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं अपकमिंग लोकी टीवी सीरीज में। जी हाँ, अब बात करते हैं निक फ्यूरी टीवी सीरीज के बारे में, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि निक फ्यूरी के ऊपर एक टीवी सीरीज बनेगी, और सैमुअल जैक्सन इस कैरेक्टर को दोबारा से करने के लिए रिटर्न हो रहे हैं, और ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। मौलान ऑफिशियली हिंदी तमिल तेलुगु में स्ट्रीमिंग होगी 4 दिसंबर को। जी हाँ, तो आप बिल्कुल रेडी रहेगा इसके लिए। ईमान जो कि मिस मार्वल का कैरेक्टर कर रही हैं, जी हाँ, ये कास्टिंग कंफर्म हो चुकी है, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है बहुत ही कमाल का। तो फाइनली अपकमिंग स्पाइडरमैन 3 जो कि टॉम हॉलैंड की है, उसमें इलेक्ट्रो दोबारा से रिटर्न हो रहा है, और वो कैरेक्टर आपको द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी ऑलरेडी देखने को मिल चुका होगा। जी हाँ, जिमी फॉक्स इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और देन बताया ये आ रहा है कि ये मल्टीवर्स की एक शुरुआत है, जिसमें कि जिमी फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम पे कंफर्म करा था। एक बिहाइंड द सीन इमेज मिली है अवतार 2 की, जो कि बहुत ही कमाल की लग रही है, जिसमें जेम्स बात करते नजर आ रहे हैं कास्टिंग क्रू से। और इसी के साथ विचर सीजन 2 का एक नया लुक, जिसमें कि हमें विचर एक न्यू आर्मर में देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के साथ अब बात करते हैं बैटमैन के अपडेट के बारे में, तो बैटमैन अब रिलीज होगी 4 मार्च 2022 को, और जिसमें कि सजाम 2 रिलीज होगी 2 जून 2023 को। ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, और देन फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हैं। तो गाइस, ये थे इस वीक के टॉप अपडेट और टॉप हाईलाइट अपडेट, और देन उसके लिए सॉरी मैंने वीक में एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि घर पर काम चल रहा है, और देन आप जानते हो कि जब भी घर पर कोई भी डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है तो इतनी आवाज़ आती है, इतनी नॉइज़ होती है कि रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल ही के दिन ये काम सारा फिनिश हुआ, और मैंने सोचा कि सारे अपडेट की एक वीडियो बना दी जाए और देन आपको सारे अपडेट दे दिए जाएँ। उसके अलावा भी अगर कोई न्यूज़ मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो भी लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, चारों।